नमस्कार, मैं करण खुराना और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। भारतीय क्रिकेट टीम आपस में ड्रेसिंग रूम में क्या करती है, क्या बातें होती है, ये सब हम सब के लिए रहस्य ही बना रहता है। हमें अंदर की कहानी कभी किसी खिलाड़ी की किताब से पता चलती है या फिर कभी कोई खिलाड़ी इंटरव्यू के दौरान उसका जिक्र कर देता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं ऐसे भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम के किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिकेट की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर क्रिकेट में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको अचंभित कर देंगे। तो चलिए जानते हैं दिलचस्प किस्से भारतीय क्रिकेट ड्रेसिंग रूम के। जब माही को बिहारी कहकर छेड़ा जाता था, आज भले ही धोनी का जलवा हो लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उनकी ड्रेसिंग रूम में खूब टांग खिंचाई होती थी। उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बिहारी कहकर छेड़ा करते थे। युवराज सिंह अक्सर कहते थे कि चौके छक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है मैच जिताना। लेकिन धोनी ने जब एक के बाद एक मैच जिताओ पारियां खेलनी शुरू की तो युवराज ने कहा कि खिलाड़ी की असली परीक्षा टेस्ट में होती है, वनडे में नहीं। युवराज की फप्तियों से तंग आकर एक दिन माही ने पूछ ही लिया, ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा नाराज क्यों रहते हो। बस इसी दिन से दोनों के बीच दूरियां मिट गई और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब ओपनिंग की बात सुनकर उड़ गए थे युवराज के होश। युवराज सिंह आईसीसी 2000 नॉकआउट टूर्नामेंट में अपने पहले वनडे मैच के लिए चुने गए थे तो कप्तान सौरव गांगुली ने युवराज से अचानक पूछा, ओपनिंग करेगा? तो कप्तान गांगुली की बात सुनकर युवराज को पसीना आ गया और युवराज ने आनन फानन में हाँ कह दिया। उस रात युवराज को नींद की गोलियां लेनी पड़ी। अगले दिन गांगुली ने युवराज से कहा कि वो तो उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे। गांगुली की बात सुनकर युवराज को कितनी राहत मिली होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली का पहला दिन। उस समय विराट कोहली टीम में नए नए आए थे और ड्रेसिंग रूम में चुपचाप अकेले बैठे हुए थे। तभी कुछ साथी खिलाड़ियों को मजाक सूझा और उन्होंने विराट से कहा कि हर नए खिलाड़ी को सचिन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। कोहली ने उनकी बात मान ली और फौरन सचिन के पास पहुंच गए। सचिन ने उन्हें देखकर उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। जब कोहली ने उनसे आने का कारण बताया तो सचिन हंस पड़े और कहा कि वो सब तुमसे मजाक कर रहे हैं। जब कपिल देव ने दाऊद को कहा चल ड्रेसिंग रूम से बाहर जा, महान क्रिकेटर कपिल देव के सरल सहज व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता। उनके बारे में साथी खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों की भी यही राय है कि वो मृदुभाषी और विनम्र है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब इस विनम्र कप्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बुरी तरह डांटकर ड्रेसिंग रूम के बाहर भगा दिया। किस्सा उस दौर का है जब क्रिकेट की दुनिया में दाऊद का खासा दखल था। वो मैच के पहले या बाद में खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम तक चला जाता था। दरअसल 1987 में शारजाह में भारत पाक के मैच से पहले वो भारतीय खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में चले गए और बोला अगर पाकिस्तान को हराने में कामयाब हुए तो हर खिलाड़ी को एक एक कार मिलेगी। जब तेंदुलकर गुस्से में उफनते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसे। ये बात तब की है जब 2004 में मुल्तान टेस्ट के दौरान सचिन अपने शतक से सिर्फ 6 रन ही पीछे थे। तभी कार्यवाहक कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी की घोषणा कर दी। इस फैसले से तेंदुलकर ना सिर्फ भौचक्के रह गए बल्कि वो गुस्सा भी हुए। ड्रेसिंग रूम में उपस्थित खिलाड़ियों को लगा कि अब यहाँ तमाशा होगा, लेकिन सचिन ने संयम से काम लेते हुए द्रविड़ से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद राइट और गांगुली ने इस बात पर सचिन से माफी मांगी। करण के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, क्रिकेट केसरी। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।